हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल दिया हुआ, आपका थंबनेल देख के आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वीबीयू हिस्ट्री कोर 14 सेमेस्टर 6 के एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आप लोग को बताया जाता है कि इसके पहले जो पॉलिटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसमें से सिलेबस पूरा चेंज कर दिया था और हिस्ट्री का भी कोर 13 का सिलेबस पूरा चेंज कर दिया था। सिलेबस का मतलब उसका डायग्राम चेंज कर दिया था कि जिस प्रकार क्वेश्चन देता था वो चेंज कर दिया। पॉलिटिकल में क्या कर दिया था कि आपका पहला जो था 1 से 10 तक आपका क्वेश्चन दिया था, एमसीक्यू दिया था, जो दो दो नंबर का कर दिया था, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन आपका 2-5 नंबर का क्वेश्चन आता था वो 10 नंबर का कर दिया। उसके बाद जो 20 नंबर का, वो दो ही क्वेश्चन बनाना था। तो हो सकता है इसमें भी अगर आप लोग को कर दे कि एमसीक्यू जो है 10 को दे लेकिन वो दो दो नंबर का कर दे, तो आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा, आप लोग फंस जाइएगा एमसीक्यू में, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों के लिए जो है मात्र 20 MCQ जो है मैं लेके आ गया हूँ और 20 MCQ आप लोग पढ़ लीजिए और यही आपका कंप्लीट हो जाएगा, यही आपका आएगा, ठीक है। मात्र इतना ही पढ़ना है, ठीक है, और सारा का सारा आपका कंप्लीट कोर 14। और इसके पहले ये तो MCQ क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसके पहले भी आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन सारा करवा दिया गया, ठीक है। VVI क्वेश्चन के बारे में भी आप लोग को बता दिया गया, ठीक है। अगर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, आराम से जाकर के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं किस प्रकार का आपका MCQ पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया कि अभी आप लोग को MCQ क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, और ये जो है 10 अगस्त को होने वाला एग्जाम, ठीक है, 10 अगस्त 2023 को एग्जाम होने वाला है, उसी के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें आपको यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, युवा तुर्क क्रांति कब हुई थी, युवा तुर्की जो क्रांति हुआ था वो कब हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ 1905, 1908, 1911, 1917, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1908 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1908, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, यूरोप का मरीज जो है वो किसे कहा जाता था, यूरोप का मरीज जो है ना वो टर्की को कहा जाता था, टर्की आपका दिया हुआ, तुर्की बोल सकते हैं और टर्की दोनों सेम है, ठीक है। वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है, तुर्की तुर्की और टर्की जो है बिल्कुल सेम था। अब इसके आगे क्वेश्चन आपका, मुस्तफा कमाल किस संधि को टर्की के लिए अपमानजनक मानता था, मुस्तफा कमाल जो था किस संधि को टर्की के लिए जो है अपमानजनक मानता था, ठीक है। तो लोसान की जो संधि हुई थी, ठीक है, लोसान की जो संधि हुई थी वो जो था ना टर्की के लिए अपमानजनक मानता था, वो कौन, मुस्तफा कमाल, वो मानता था कि ये जो था ये संधि जो था वो टर्की के लिए नहीं था। उसके बाद क्वेश्चन था कि मुस्तफ़ा कमाल को अतातुर्क भी कहा जाता था, ठीक है, तो अतातुर्क का जो अर्थ है उसका अर्थ क्या होता है, तो अतातुर्क का अर्थ होता है तुर्की का पिता, तुर्की का पिता किसे कहा गया था, मुस्तफ़ा कमाल को शायद कहा गया था, ठीक है, ये थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन है, देख लीजिएगा आप लोग। एक बार, राजा शाह ईरान का राजा कब बना, राजा शाह जो था वो ईरान का राजा कब बना था, तो कब बना था 1926 ईस्वी में, कब बना था 1926 ईस्वी में, आपका ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है, ऑप्शन में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपका है आपको बढ़िया से पहले देख लेना, जो आप जानते हैं पहले उसको बना लेना है, उसके बाद उसको डील करते रहना है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन 6 है आपका, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना बगदाद में की गई, कब की गई, ठीक है, मतलब पेट्रोलियम निर्यातक देश जो था उसका संगठन ओपेक जो संगठन था उसका स्थापना बगदाद में कब किया गया था, कब किया गया था 1960 ईस्वी में, कब किया गया था 1960 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन फिर से आपका, अमेरिका ने ऑपरेशन डिजर्ट फॉक्स अभियान किसके विरुद्ध चलाया, अमेरिका ने जो था ऑपरेशन डिजर्ट फॉक्स अभियान जो था वो किसके विरुद्ध चलाया था, किसके विरुद्ध चलाया था आपका, इराक के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, इराक के विरुद्ध, क्योंकि वहां पर ईरान और इराक के बीच में युद्ध हो रहा था उस समय। आगे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 8 कि अमेरिका ने ऑपरेशन इराक फ्रीडम कब बनाया, अमेरिका जो था ऑपरेशन इराक फ्रीडम कब बनाया था, तो कब बनाया था ईरान इराक युद्ध में, कब बनाया था ईरान इराक युद्ध में, जिसमें ईरान और इराक का युद्ध हो रहा था उस समय बनाया था वो। क्वेश्चन नंबर 9 है, इराक व अफगानिस्तान के बीच सदाबाद नामक संधि कब किया गया था, इराक और अफगानिस्तान के बीच जो था सदाबाद का नामक संधि जो हुआ था वो कब किया गया था, कब हुआ था 1937 ईस्वी में, कब हुआ था 1937 में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपको पूछा गया है, कमाल पाशा का जन्म 1881 ईस्वी में कहाँ हुआ था, कमाल पाशा का जो जन्म था 1881 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो सैलोनिका में हुआ था, कहाँ हुआ था सैलोनिका में, ठीक है। इसका इसके बाद जो क्वेश्चन आपका आपका 11 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या पूछा हुआ कि युवा तुर्क आंदोलन की प्रमुख विशेषता था,
युवा तुर्क आंदोलन जो था उसका प्रमुख विशेषता क्या था, वहां पर सैनिक क्रांति भी हुआ था, रक्तहीन क्रांति भी हुआ था, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना भी हुआ था, ठीक है। तो उपयुक्त सब हो जाएगा, उपयुक्त सब हो जाएगा, ये सारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि आधुनिक तुर्की का जनक था, आधुनिक तुर्की का जनक जो था उसको किसको कहा जाता था, तो मुस्तफा कमाल पाशा को। किसको कहा जाता था? मुस्तफा कमाल पाशा को, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जानने से पहले आपको बताया जाता है कि अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप लोग चैनल को बढ़िया वीडियो बढ़िया लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। क्योंकि इस पे जो है आपको कोर 13 का भी तैयारी करवाया गया, कोर 14 का भी, डीएससी 3 का, डीएससी 4 का भी तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, संरक्षण प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन सा देश आते थे, संरक्षण प्रणाली जो था उसके अंतर्गत कौन से देश थे, तो इराक, सीरिया, लेबनान तीनों थे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे आपका क्वेश्चन है कि आधुनिक ईरान की निर्माता किसे कहा जाता है, आधुनिक ईरान जो है अभी उसका निर्माता किसे कहा जाता है, उसका पिता किसे कहा जाता है, उसको कौन निर्माण किया था, तो किसको कहा जाता है, रजा शाह पहलवी को। किसको? रजा शाह पहलवी को, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, तुर्की को जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था, वो कब घोषित किया गया था, 1924 ईस्वी में, कब, 1924 ईस्वी में घोषित किया गया था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, इब्न सऊद किस देश का शासक था, इब्न सऊद जो था वो किस देश का शासक था, कौन सा देश में रहता था वो, ठीक है, कहाँ का शासक था वो, कहाँ का सम्राट था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सऊदी अरब, वो जो था सऊदी अरब का सम्राट था, कौन, इब्न सऊद, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन आपका है कि लोजान की संधि जो हुआ था वो कब हुआ था, तो लोजान का संधि आपका कब हुआ था, 24 जुलाई 1923। देखिए यहाँ पे आपका वो कन्फ्यूज करने के लिए सब कुछ एक साथ दे दिया, 24 जुलाई दिया, 24 अगस्त दिया, बस 24 जून और 24 सितंबर, बस देखिए यहाँ पे मही मंथ का नाम चेंज किया, ठीक है, बाकी डेट आपका सेम है और ईयर जो आपका सेम है, ठीक है। तो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे, 24 जुलाई, कन्फ्यूज नहीं होना है, राइट आंसर क्या होगा, 24 जुलाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, एक राष्ट्र के रूप में इसराइल का निर्माण कब हुआ था, एक राष्ट्र के रूप में जो है इसराइल का जो निर्माण हुआ था, तो इसराइल का निर्माण हुआ कब था, तो इसराइल का निर्माण कब हुआ था आपका, पहला है देखिए ऑप्शन दिया हुआ 1946, 1947, 1948, 1950, ठीक है। आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखना है कि क्या पूछा गया और क्या नहीं पूछा गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1948, ठीक है, 1948 में इसराइल का निर्माण हुआ था, ठीक है। ये आपको ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना इसराइल के बारे में आपको बता दिया गया, लॉन्ग क्वेश्चन में बताया गया है, और इसके पहले जो था युवा तुर्क आंदोलन के बारे में भी बताया गया, हर एक चीज़ के बारे में बताया गया, फिलिस्तीन समझौता के बारे में बताया गया, तो वहाँ पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग आराम से उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपका, पर्शिया का नाम बदलकर ईरान कब रख दिया गया, पर्शिया जो था मतलब ईरान का जो नाम था पहले क्या था, पर्शिया था, तो इसका जो नाम है ईरान का नाम, वो पर्शिया कब रख दिया गया, मतलब तो पर्शिया का जो नाम था वो ईरान कब रख दिया गया, तो कब रख दिया गया था आपका, 1935 ईस्वी में, कब रखा था, 1935 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन आपको सब दिया हुआ, 28, 30, 32, 1935, ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना, 1935 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है आपका, रजा शाह को कब ईरान का राजा घोषित किया गया था, ये क्वेश्चन आपको पहले भी पूछा गया था कि रजा शाह जो था उसको कब ईरान का राजा घोषित किया गया था, कब किया गया था, 1926 ईस्वी में, कब किया गया था, 1926 ईस्वी में जो है इसको ईरान का राजा घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बढ़िया समय में आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।